ओम शांति। आज की तारीख है 6/11/22 और आज की ज्ञान मुरली हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/11/92 92 की मुरली। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्मों खजाने साथ में रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय वो नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और बाप आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन करके स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का साधनों के वशीभूत होने के बजाय यूज करने वाले मास्टर भव। बाबा कहते हैं कि साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए
उनके वश में नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन के बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।